नमस्कार मैं मनोज कश्यप ब्लैश टीवी के लिए इस समय मौजूद हैं हरिद्वार के कंकल स्थित बैरागी कैंप में प्राचीन शमशान महाकाली के मंदिर में और इस समय जिस मंदिर में हम बैठे हैं ये अपने आप में एक पीठ है और ऐसा पीठ है कि यहाँ से लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं आइएगा इसी मंदिर की जो विशेषताएँ हैं और इसकी जो पौराणिकता है उसके विषय में जानते हैं इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं इस मंदिर के श्री महंत आइएगा सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय जी सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे आपका नाम मेरा चाहें। नाम दीपक पुरी दीपक पुरी नाम है और माँ काली की सेवा में रहते हैं और ऐसे ऐसे चमत्कार हैं माई के कि अब आपको क्या बताएं जो जो भगत आया है उसके जो काम नहीं हुए हैं दस साल से बीस साल से वो दस दिन में ही हो गए तो एक ही जगह से नहीं पता नहीं किस किस को से माँ बुला लेती है ये अपने आप इतनी शक्ति है इसमें पर समझने वाला समझ नहीं पाता इस चीज़ को कि ये भगवान है या पत्थर है पर हमें पता ये माँ है लोग सोचते हैं पत्थर की मूर्ति है पर हमारे लिए ये माँ है तो हम माँ को अपनी माँ को छोड़ के अपनी माँ को छोड़ के हम इस माँ के पास आए थे ठीक है तो हमारे को जब मैं इतना छोटा था आठ साल का तो मेरे गुरुजी ने आज से 2002 में जो ये मंदिर बना स्थापना हुई थी 2002 में हुई थी और जो मेन मंदिर है हमारा वो इसके नीचे है माँ काली के ही नीचे है वो नवरात्रों में खोला जाता है और विशेष पूजा होती है काल रात्रि को उसमें श्री स्वयं हमारे गुरुजी जाते हैं और पूजन करते हैं एक सवाल आपसे और जानना चाह रहे थे कि इस मंदिर का जो ये नाम है जो प्राचीन शमशान महाकाली के नाम से ये मंदिर विख्यात है तो ये जो नाम है ये नाम इसका क्यों रखा गया ये नाम इसलिए रखा गया जब हम नीम खोद रहे थे जब हम नीम खोद रहे थे तो यहाँ पे बहुत मतलब मुर्दे निकले थे लाशें निकली थी जली भी, भी और गड़ी भी, भी। तो यहाँ पे साक्षात काली जो नीचे काली माता निकली हुई हैं माता जी वो जब वो माई निकली तो उनके ऊपर एक मुर्दा लेटा हुआ था मंगल मतलब कंकाल हड्डियों का तो फिर माँ काली ने खुद ये नाम हमारे गुरु जी के उसमें आया कि शमशान काली नाम रखा जाएगा तो माँ का आदेश था ये तो हमने ये नाम प्राचीन शमशान काली माता मंदिर रखा और इस बैरागी कैम्प में फिर माँ को बड़े रूप में लेके आए हम कि लोग बाग वहाँ तो जा नहीं सकते उस मंदिर में क्योंकि वो मंदिर सिद्ध भी है और लोग बाग किस किस व्यवहार से आते हैं किस मन से आते हैं किस उससे आते हैं तो हम वहाँ तक उन्हें पहुँचने नहीं देते इसी माही से यहीं से ही दर्शन होते हैं इनसे बोलोगे नीचे सुन लेगी वो तो जैसा कि आपने बताया कि इस मंदिर के नीचे भी एक मंदिर है जो कि बहुत पौराणिक है और साक्षात माँ काली वहाँ पर विराजमान है और भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं यहाँ मस्तक टेकने से ही पूरी हो जाती हैं तो उस मंदिर के विषय में हमें थोड़ा सा बताएं कि कब उस मंदिर में पूजा पाठ की जाती है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके गुरुदेव उस सिर्फ़ उस मंदिर के अंदर तक जाते हैं उसके अलावा वहाँ किसी को पहुँचने की इजाज़त नहीं है तो कब वो मंदिर खुलता है और कब गुरु महाराज जो है वहाँ पर जा के साधना करते हैं पूजा पाठ करते हैं नवरात्रों में ये खोला जाता है काल रात्रि वाले दिन और रात के साढ़े ग्यारह बजे वो जाते हैं और दो दो भी बज जाते हैं दो बजे वो बाहर निकलते हैं पूजा पाठ करके क्योंकि उनके अलावा किसी की भी वहाँ पे एंट्री नहीं है पूरा उनका दो घंटे का होता है काम रात्रों में सिर्फ दो घंटे के लिए खुलता है वो मंदिर फिर जब भी नवरात्रे पड़ते हैं सिर्फ दो ही घंटे के लिए खुलेगा वो नियम है एक और जो भी पूजा पाठ विधि विधान जैसे भी हैं वो सब हमारे गुरु महाराज महंत रविंद्रपुरी निरंजनी अखाड़ा जो हैं हमारे गुरुजी उनके उनके अलावा कोई नहीं जाता हम जैसा कि अभी हम इस मंदिर में भी देख रहे हैं कि जो माँ की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा एक ऐसी प्रतिमा है कि जिसमें भगवान शिव माँ के चरणों के नीचे लेटे हुए हैं और माँ का पांव जो है वक्ष स्थल पर है तो ये माँ का जो है कौन सा स्वरूप है और ये प्रतिमा जो यहाँ पर स्थापित है ये कौन सी प्रतिमा है ये जब वादा जब माता विकराट रूप में आई थी तो सब देवी देवता प्रसन्न हो गए थे उन्होंने सब भोले शंकर जी के पास गए तो उनसे कहा आप ही करो आप ही रोक सकते हो माता को तो फिर भोलेनाथ जी माता जी को वो लेट गए माता जी जा रही थी माता जी के पैर रखा गया वहीं पे ही उनकी जीव निकली और वो जीव कहते ना कि ऐसे है वो वैसा रूप नहीं है वो बहुत साधारण रूप है माई का जीव का जो निकला हुआ है लोग बाग कोई लोग ऐसे होते हैं डरते हैं कि हाय ऐसे है वैसे है पर ऐसा वैसा कुछ नहीं है ये तो एक बहुत साधारण रूप है इसको तो ऐसा रूप है कि आपको क्या बताऊं मैं बस जैसा कि महाकाली के विषय में सुना जाता है कि माँ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है और अनेकों साधक ऐसे भी हैं कि जो कि इस स्थान पर आकर के साधना करके माँ को जिन्होंने सिद्ध भी किया है तो इसलिए सिद्ध भी पीठ भी माना जाता है तो किस तरह की सिद्धियाँ यहाँ पर की जाती हैं यहाँ पे सिद्धि कोई सी सिद्ध भी कर सकते हो आप यहाँ पे सारी सिद्धियाँ होती हैं तांत्रिक भी कर सकते हो बिगर वैसी भी कर सकते हो और जी आप कुछ भी ना करो तो बैठ के यहाँ पे एक घंटे रोज जाप भी करोगे तो वो भी एक सिद्धि है वो भी एक सिद्धि है यदि सच्चे मन से यहाँ आप ग्यारह दिन भी बैठ गए तो आपको उसका परिणाम मिल जाएगा ये ऐसी माता है और एक नहीं लाखों लोग यहाँ से भी क्या हर कोने कोने से माँ बुलाती है दिल्ली बम्बई पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को हॉस्पिटल में से पड़े हुए आदमी को जीवित करके वो यहाँ लिया माँ गुजरात का आदमी वो एक बार आया मेरे पास बाबा जी ऐसी बात है मैंने कहा अच्छा तो वो आदमी उठ नहीं सकता था पर वो इस मंदिर में आया मानता करके गया था माँ तेरे को छत्र चढ़ाऊंगा मैं वो सब कर्म करके गया वो यहाँ पे आज वो बिल्कुल बढ़िया है सब कुछ बम्बई के आदमी है वो तो इस माँ में इतनी शक्ति है समझने वाले के लिए इंसान एक नहीं होते हजार होते हैं इंसान तो एक ही होते हैं हजार दिमाग होते हैं कोई किस तरीके से समझता है कोई किस तरीके से समझता है अभी मेरे को काली आ जाती है तो कोई मुझे पागल भी कहता है कोई मुझे माँ का भगत भी कहता है तो मैं पागल वाले को समझूँ या जो मुझे भगत कह रहा है उसे समझूँ ये मेरे अंदर की आत्मा कहती है कि मैं माँ को अपने आत्मा से भी ज्यादा मानता हूँ इसीलिए माँ मेरे सारे कार्य पूर्ण करती है और मेरे भक्तों का जो काम जीवन में नहीं हुआ वो काम भी पूर्ण करती है ये यदि सच्चे मन का आदमी होगा तो आ, एक ज्योत यहाँ पर हम देख रहे हैं और जैसा कि हमने सुना भी है कि ये यहाँ पर जो जो जगी है ये अखंड ज्योत है तो इस ज्योत के विषय में भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये ज्योत आखिर यहाँ पर कब से जगी हुई है और इसको किस प्रकार इसकी देखभाल की जाती है ये ज्योत चौबीस घंटे जलती है और ये ज्योति से ही ज्योतिष बढ़ती है आदमी कोई मत्था टेकने आता है या कोई भगत जगत आता है तो ये ज्योतिष एकदम हमारे यहाँ लगती है माथे पे मतलब एक हम तिलक लगाते हैं तो ये एक सूर्य की तरह प्रकाश देती है ये हमें एक आस्था बढ़ाती है तो ये जो 24 घंटे हम जलाते हैं अखंड जो होते ही है ये कभी माँ की कृपा से बढ़ी नहीं और बढ़ेगी भी नहीं जब तक हम हैं यहाँ प्राचीन माँ शमशान महाकाली के इस पवित्र मंदिर में जो माँ की प्रतिमा स्थापित है ये प्रतिमा बड़ी ही दुर्लभ है और इसके विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्रतिमा उस समय को दर्शाती है कि जिस समय महाकाली ने अपना विकराल रूप धारण किया और त्राही त्राही पूरे ब्रह्मांड में हो गई सभी देवतागण जिस समय घबरा गए और घबरा कर देव आदि महादेव की शरण में पहुँचे और महादेव के शरण में पहुंचकर उन्होंने जब महादेव से प्रार्थना की कि का के इस क्रोध को सिर्फ आप शांत कर सकते हैं अन्य कोई भी देवता माँ के इस क्रोध को शांत नहीं कर सकता है तो उस वक्त देव आदि महादेव ने माँ की पूजा की प्रार्थना की और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो स्वरूप इस समय आप देख रहे हैं कि जब देव आदि महादेव के भी वश में माना आई तो वह देव आदि महादेव माँ के सामने लेट गए कि अगर तुम्हें जाना है तो मुझसे लांग कर जाना होगा और जाने अनजाने जिस समय माँ कालका का पाँव देव आदि महादेव के वक्ष स्थल पर पड़ा तो उसी समय माँ की जिव्या बाहर आ गई और उसी समय माँ का क्रोध शांत हो गया और माँ का ये रूप ममतामयी हो गया दुनिया कहती है कि माँ काल का बड़ी ही विकराल है लेकिन माँ का ये जो रूप हम देखते हैं कि जिसमें माँ की ये जिव्या बाहर है ये माँ का बड़ा ही ममतामयी रूप है इस सौम्य रूप में माँ अपने भक्तों की मुरादों को पूरा करती है और अपने भक्तों की हर फरियाद को सुनती है उनकी झोलियों को भरती है माँ का यही स्वरूप दुनिया को विकराल रूप लगता है लेकिन हकीकत यह है कि ये माँ का ममतामयी रूप है क्योंकि देव आदि महादेव के वक्षस्थल पर जिस समय माँ कालका का ये पांव पड़ा उसी समय माँ का क्रोध शांत हो गया और माँ का ये रूप ममतामयी हो गया माँ के उसी ममतामयी रूप की ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है जो कि प्राचीन शमशान महाकाली के नाम से यह मंदिर विख्यात है और इस मंदिर के अंदर ये मूर्ति स्थापित है और इसी मंदिर में एक भूग्रह में एक मंदिर और बना है महाकाली का जो कि बहुत ही पौराणिक है और उस मंदिर के विषय में भी अगर कहा जाता है जैसा कि आज हमें यहाँ के श्री महंत जी ने भी बताया था कि उस मंदिर में जब पूजा अर्चना होती है तो मात्र नवरात्रों के दिनों में ही ये पूजा अर्चना की जाती है और उसी माँ के पावन नवरात्रों के उन पावन दिनों में ही वो स्थान खोला जाता है और उसमें पूजा अर्चना की जाती है और अन्य किसी को वहाँ पर जाने की इजाज़त भी नहीं है मैं कैमरा से कहूँगा कि आपको वो स्थान भी दिखाएँ कि जहाँ पर माँ अपने इस गुप्त स्थान पर विराजमान है आप देख सकते हैं कि जो सामने स्थान दिख रहा है ये माँ का वो गुप्त स्थान है जहाँ पर माँ साक्षात विराजमान है और इस मंदिर की स्थापना होने से पहले ये स्थान यहाँ पर पहले से विराजमान है यही वो रास्ता है जहाँ से इस भूग्रह के अंदर जाया जाता है लेकिन यह मार्ग सिर्फ़ माँ के पावन नवरात्रों में खोला जाता है और इसमें आम इंसान को जाने की मनाही है आवाजाही वो नहीं कर सकते हैं सिर्फ़ यहाँ के जो महंत हैं यहाँ के जो पुजारी हैं वही सिर्फ़ माँ के उस दरबार तक जा सकते हैं प्राचीन शमशान महाकाली के मंदिर के प्रांगण में एक देव आदि महादेव के ये त्रिशूल भी स्थापित किए गए हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये त्रिशूल जो है यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से लगाए गए हैं और ठीक इन्हीं के पीछे माँ कालिका की एक तस्वीर भी लगाई गई है जो कि बड़ी ही दिव्य और बड़ी ही भव्य है और इस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं ये त्रिशूल और एक देव आदि महादेव के शस्त्रों के रूप में भी पहचाने जाते हैं ये त्रिशूल और इसी त्रिशूल के साथ साथ में मैं कैमरा मैन से कहूँगा इधर भी दिखाएं कि ये माँ कालका के वो रूप हैं कि जिन रूप में बारम्बार अनेकों बार, अने बार माँ ने अनेकों दैत्यों को संघारा और अनेकों दैत्यों को संघारने के बाद में माँ अपने ममतामयी रूप में आई है जहाँ माँ काली के रूप में आई है माँ चंडी के रूप में आई है अनेकों बार अनेकों रूप धारण माँ ने किए हैं कहते हैं कि भगवान विष्णु के चक्र से खंडित होकर माँ के तीन नेत्रों में से एक दया नेत्र केमूर पर्वत पर गिरा जहाँ पर माँ चंडी के नाम से विख्यात हुई कहते हैं कि माँ चंडमुंड नाशनी भी है रक्तबीज बीज धारणी भी है अनेकों अनेकों रूप में ने बार अवतरित हुई है माँ और अनेकों रूप धारण किए हैं और इसी मंदिर के प्रांगण में देव आदि महादेव का एक विशाल काया शिवलिंग भी स्थापित है आइएगा दिखाते हैं आपको वो शिवलिंग भी जो कि बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही भव्य है और शिवलिंग के समक्ष देव आदि महादेव के गण नाधिया भी विराजमान है।, है कि देव आदि महादेव को मनाने से पहले नंदी देव की पूजा प्रार्थना की जाती है उसके पश्चात ही देव आदि महादेव प्रसन्न होते हैं और महादेव के इस विशाल शिवलिंग की भी महिमा अपार है जो कि स्थापित है प्राचीन शमशान काली के इस पावन मंदिर में महाकाली के इस मंदिर के प्रांगण में एक और मंदिर स्थापित है जो कि महावीर हनुमान जी का मंदिर है कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर का जब नाम कहावे और इसकी जो महत्ता है वो ये है कि जो भी भक्त यहां पर आकर के श्री राम का नाम इस दीवार पर लिखता है जो यहां पर आप देख भी रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर श्री राम के नाम लिखे हुए हैं जो ये श्री राम का नाम यहाँ पर लिख करके अपनी मन की मुराद मांगते हैं तो वीर हनुमान उनकी मुरादों को पूरा करते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम हर वक्त हर घड़ी वीर हनुमान के सीने में बसता है प्राचीन शमशान महाकाली के इस पवित्र मंदिर के प्रांगण में एक और मंदिर स्थापित है एक और मूर्ति स्थापित है जो कि बाबा भैरवनाथ जी की है बाबा भैरवनाथ जी हमेशा माँ के अंग संग रहते हैं क्योंकि बाबा भैरवनाथ माँ के एक रक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं पहचाने जाते हैं प्राचीन शमशान महाकाली के प्रांगण में जहाँ इतने देवी देवताओं के मंदिर स्थापित है वहीं एक और देवता का भी मंदिर स्थापित है वो हैं देवों के देव शनिदेव शनिदेव महाराज की एक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है और इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर एक घंटी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई हैं कि जो भी यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामना के रूप में एक घंटी यहाँ पर बांधता है तो उसकी मनोकामना यहाँ पर घंटी बांधने मात्र से पूरी हो जाती है भगवान शनिदेव की दृष्टि उन पर कृपा दृष्टि के रूप में बदल जाती है कहते हैं कि शनि का प्रकोप सबसे बड़ा प्रकोप माना जाता है लेकिन जो शनि के शरण में आ जाते हैं वो शनि की कृपा के पात्र हो जाते हैं और शनि की कृपा उन पर बरसती है भगवान शनि की जो सेवा करते हैं जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं भगवान उन पर हमेशा सदैव प्रसन्न रहते हैं ऐसी ही मान्यता इस मंदिर के इस प्रांगण में भी है कि यहाँ पर आकर के जो भी शनिदेव के चरणों में आकर के शीश नवा देते हैं यहाँ पर अपनी मन्नत की एक घंटी बांध देते हैं उनकी मनोकामना यहाँ से पूर्ण हो जाती है यहाँ पर शनिवार के दिन जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं अपनी मन्नत के अनुसार यहाँ पर दीप दान करते हैं शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाते हैं और अगर उनको अपनी कोई मन्नत अगर उनको माननी है तो यहाँ पर एक मन्नत की एक घंटी यहाँ पर बांध करके चले जाते हैं तो मन्नत की ये घंटी यहाँ पर क्यों बांधी जाती है थोड़ा सा इस पर भी हम जान लेते हैं क्योंकि इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं श्री महन जी श्री महन जी एक आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी एक ये घंटियाँ बंदी हुई हैं तो इन घंटियों का यहाँ पर क्या महत्व है महत्व तो ये है कि जैसे किसी के घर में औलाद नहीं होती मतलब बच्चे वगैरह नहीं होता या कोई कार्य नहीं हो पाता होता है होने से पहले ही बिगड़ जाता है तो वो उस चीज़ पे सनी देव जी के पूजा अर्चना करने के बाद चाहे वो इतनी छोटी घंटी चढ़ाए चाहे बड़ी घंटी चढ़ाए जैसे आदमी का है उस हिसाब से वो चढ़ाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है शनिदेव पे इतनी मतलब इतनी वो है कि हमारे का ये हमारे प्रभु सबका कार्य पूर्ण करते हैं और ये जितनी भी आपको ये ज्योतें दिख रही हैं सब जलती हैं ये और जब जलती हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे साक्षात शनिदेव बाबा बैठे हैं यहाँ पे तो इसीलिए ये जो घंटी है ये सब भक्तों ने ही अपनी मनोकामना पूर्ण होते ही टांग दी जैसा कि अभी हमें श्री महन जी ने बताया है कि मनोकामना के रूप में ये घंटियाँ यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं ये मनोकामना के रूप में यहाँ पर ये घंटियाँ बांधी जाती हैं और जितने भी यहाँ पर स्तंभ हैं इन स्तंभ के ऊपर एक दीपक लगाए गए हैं और कहा जाता है कि हर शनिवार को ये सभी दीपक यहाँ पर जगाए जाते हैं क्योंकि जिस समय ये दीपक जगते हैं तो एक अलौकिक और एक भव्य और दिव्य नज़ारा यहाँ पर भगवान श्री शनिदेव का भी नज़र आता है मैं मनोज कश्यप ब्लैस्टीवी के लिए कनखल हरिद्वार से Música yeah.